मैं राजेश चौबीसा, लेक्चरर जीपीसी बांसवाड़ा। आज इस लेक्चर में हम फिर से अमलशारों के एक सिद्धांत की चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने अम्ल और क्षारों की दो अवधारणाओं को पढ़ा था, आरहणीय सिद्धांत तथा ब्रोनस्टेड लॉरी सिद्धांत। हमने देखा था ये सिद्धांत किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, और ये भी देखा था कि ब्रोनस्टेड लॉरी सिद्धांत आरहणीय सिद्धांत से अधिक व्यापक है। ब्रोनस्टेड लॉरी सिद्धांत की भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, और यही कारण है कि कुछ अम्लक्षार अभिक्रियाओं को समझने के लिए हमें एक अन्य सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए आज हम देखते हैं कि ब्रोनस्टेड लॉरी सिद्धांत की मुख्य कमी क्या है और लेविस सिद्धांत किस प्रकार से अम्लों और क्षारों के व्यवहार की व्याख्या करता है। तीन सिद्धांत जो हमारे पास हैं अम्लों और क्षारों की व्याख्या के लिए, आरहणीय सिद्धांत, ब्रोनस्टेड सिद्धांत और नया सिद्धांत जिसे हम लेविस सिद्धांत कहते हैं। ब्रोनस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस में हम देखते हैं कि यह सिद्धांत आरहणीय सिद्धांत की तुलना में अधिक व्यापक है, अतः यह जलीय माध्यम और जलीय माध्यम के अलावा अन्य विलायकों में होने वाले अम्ल क्षारों के अभिक्रियाओं को समझाने में सक्षम है। साथ ही शुष्क माध्यम या गैस फेज में होने वाली अम्ल क्षार अभिक्रियाओं को भी यह सिद्धांत आसानी से समझा सकता है, उनकी व्याख्या कर सकता है। तो इस प्रकार ये आरहणीय सिद्धांत से व्यापक तो हुआ, लेकिन वे अम्ल क्षार अभिक्रियाएं जो अप्रोटोनिक विलायकों में होती हैं, क्योंकि आरहणीय और ब्रोनस्टेड लॉरी अवधारणा दोनों में हमने देखा कि अम्ल H+ आयन या प्रोटोन का दान देता है, और प्रोटोन को हम H+ के रूप में भी व्यक्त करते हैं। अतः जो अप्रोटोनिक विलायक होते हैं उनमें होने वाली अम्ल क्षार अभिक्रियाओं को समझाने में यह सिद्धांत उपयोग में नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा यह भी देखने में आया कि कुछ पदार्थ जैसे BF3, AlCl3 अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, परंतु इनमें हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, अतः आरहणीयस और ब्रोनस्टेड लॉरी सिद्धांतों के आधार पर इनकी अम्लीय व्यवहार को नहीं समझाया जा सकता। इन सीमाओं के कारण आज हम एक नए सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं जिसे हम लेविस सिद्धांत कहते हैं। एक और उदाहरण द्वारा हम देखेंगे कि क्यों हमें लेविस सिद्धांत की आवश्यकता है। यहाँ दो अभिक्रियाएं दी गई हैं। फर्स्ट रिएक्शन में सल्फ्यूरस एसिड जलीय माध्यम में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है और कैल्शियम सल्फाइड और जल बनाता है। ये एक नॉर्मल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ हम सल्फ्यूरिक एसिड के अम्लीय व्यवहार को और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्षारीय व्यवहार को दोनों ही सिद्धांतों अर्थात आरहणीय सिद्धांत और ब्रोनस्टेड अवधारणा से समझा सकते हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरस अम्ल यहाँ जली माध्यम में वियोजित होकर H+ आयन देता है या प्रोटोन स्थानांतरण कर रहा है, प्रोटोन दाता का कार्य कर रहा है, अतः अम्ल का कार्य करता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है जली माध्यम में, या ये हाइड्रोक्साइड आयन H2SO3 से एच प्लस आयन या प्रोटोन को स्वीकार करते हैं, अतः यह प्रोटोन ग्राही का काम करता है
और इस तरह से इन दोनों के अम्ल क्षार अभिक्रिया द्वारा लवण और जल बनने की इस उदासनीकरण अभिक्रिया को समझाया जा सकता है। परंतु अगर हम दूसरी अभिक्रिया को देखें तो ये काफ़ी भिन्न प्रतीत होती है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड इज सॉलिड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एज अ गैस रिएक्ट्स विद इट, सो इट टेक्स प्लेस इन ड्राई स्टेट, शुष्क अवस्था में हो रही है और यहाँ कैल्शियम सल्फाइड का निर्माण हो रहा है जो एक सॉल्ट है। तो इस अभिक्रिया में अम्लक्षार व्यवहार को समझाना संभव नहीं है, न तो आरहणीय सिद्धांत से और न ही ब्रोनस्टेड सिद्धांत से, क्योंकि एक तो ये शुष्क अवस्था में हो रही है और दूसरा यहाँ हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, अतः H+ आयन या प्रोटॉन का स्थानांतरण जो कि ब्रोनस्टेड सिद्धांत का मुख्य बिंदु है ये संभव नहीं है। तो यहाँ अम्ल और क्षारों के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए हमें लेविस के सिद्धांत की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं कि लेविस थ्योरी क्या है। लेविस कॉन्सेप्ट 1923 में जी एन लेविस द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि एक अमेरिकन फिजिकल केमिस्ट थे और उनके सिद्धांत को इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस भी कहते हैं, अर्थात अम्लों और क्षारों की इलेक्ट्रॉन युग्म अवधारणा। इस सिद्धांत में उन्होंने एक अम्ल क्षार अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉन युग्म स्थानांतरण अभिक्रिया के रूप में परिभाषित किया। मीन्स एसिड वॉज डिस्क्राइब एज अ सब्सटेंस विच इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, वेयर एज बेस वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ सब्सटेंस विच एक्स एज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। यानी अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही पदार्थ है और क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन युग्म का दान देता है। जैसा कि हमको पता है ससंयोजक बंध का निर्माण तब होता है जब इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल शेयरिंग होता है, लेकिन जब एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोवलेंट बॉन्ड बनाती है तो ये वन साइडेड शेयरिंग होता है और इसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या उप ससंयोजी बंध कहते हैं, जिसको प्राय एरो या तीर के रूप में दिखाया जाता है फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर स्पीशीज। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म दान देते हैं और अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, अतः क्षार से अम्ल की ओर एक उपससंयोजी बंध का निर्माण होना अम्ल क्षार अभिक्रिया को समझाता है। जैसे यहाँ ए प्लस एक स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन युग्म को एक्सेप्ट कर रहा है और बी माइनस जो एनायन है वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट कर रहा है ए प्लस को, इसलिए बी माइनस यहाँ लेविस के हिसाब से एक क्षार है और ए प्लस है वो सिद्धांत के अनुसार अम्ल का कार्य करता है और बी से ए की ओर जो उपससंयोजी बंध बनता है वो इस लवण के निर्माण को समझाता है, जिसको हम अम्ल क्षार अभिक्रिया कहते हैं। एक और उदाहरण से इसको और अच्छी तरह से स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए बोरोन ट्राईफ्लोराइड एक सब्सटेंस है, जब इसे अमोनिया के साथ मिश्रित करते हैं तो क्या अभिक्रिया होती है, इनके बीच में एक योगात्मक उत्पाद एडिशन प्रोडक्ट बनता है दोनों के मिलने से। यहाँ अमोनिया में नाइट्रोजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म BF3 के बोरोन के पी कक्षक में दान हो जाता है, जिससे नाइट्रोजन और बोरोन के मध्य एक उपससंयोजी बंध का निर्माण होता है जहां
अमोनिया डोनर का कार्य कर रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म दान देता है, इसलिए वो एक क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है, और बोरोन ट्राइफ्लोराइड अमोनिया से इस इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर रहा है, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर अर्थात अम्ल का कार्य कर रहा है। इस तरह से यहाँ अम्ल क्षार अभिक्रिया को समझाया जा सकता है। और एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं जिसमें लेविस सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्षार अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे H+ आयन और NH3, इसके मिलने से NH4+ अमोनियम आयन का निर्माण होता है। तो यहाँ NH3 अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन युग्म H+ आयन को डोनेट कर रहा है, इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार H+ लेविस अम्ल है और NH3 एक लेविस क्षार है। H+ और OH- की अभिक्रिया जिससे H2O जल के अणु का निर्माण होता है, इसमें H+ इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही यानी अम्ल है। वहीं हाइड्रोक्साइड आयन में ऑक्सीजन परमाणुओं पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जिसका दान होता है वो एक इलेक्ट्रॉन दाता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, इसलिए वो लेविस अम्ल का क्षार का कार्य करेगा। अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन लेविस क्षार है और H+ आयन एक लेविस अम्ल है जिससे उदासीनीकरण अभिक्रिया होकर जल का निर्माण होता है। BF3 और अमोनिया की अभिक्रिया हम समझ चुके हैं। और उदाहरण अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम आयन का हाइड्रेशन जो होता है वो भी इसी प्रकार की अभिक्रिया जिसमें जल के अणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म का दान एल्यूमिनियम आयनों के रक्त कक्षकों में किया जाता है। तो यहाँ एल्यूमिनियम आयन एक लेविस अम्ल है और जल के अणु लेविस क्षार का उदाहरण है। इस प्रकार से हम बहुत सारी अम्ल क्षार अभिक्रियाओं की व्याख्या लेविस सिद्धांत या लेविस अवधारणा के आधार पर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस अवधारणा के आधार पर लेविस अम्ल कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले वे अणु जो उदासीन हैं परंतु उनमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण नहीं होता है, अतः ये परमाणु अपना अष्टक पूरा कर स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और इसलिए ये लेविस अम्लों का कार्य करते हैं। बोरोन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, निर्जल या एनहाइड्रस FeCl3 ये इसके उदाहरण हैं। यहाँ केंद्रीय परमाणु बोरोन, एल्यूमिनियम और आयरन में अष्टक पूरा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं और इसलिए ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही का कार्य करते हैं और अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो इन पदार्थों के अम्लीय व्यवहार की व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर हम कर सकते हैं। इसी के अलावा या इसके अतिरिक्त हम ये देखते हैं कि जो धातु परमाणु होते हैं जो कैटायन या धनायन बनाते हैं ये प्राय अम्ल क्षार अभिक्रियाएं देते हैं। तो इनमें Ag+ आयन, Cu+ आयन, आयरन कैटायन ये सब आयन इनके पास रिक्त डी कक्षक होते हैं और उन डी कक्षकों में ये इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए ये भी अम्ल के रूप में व्यवहार करते हैं। देन मॉलिक्यूल्स हैविंग सेंट्रल एटम्स विद एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास अष्टक तो पूरा होता है, वो स्टेबल भी होते हैं लेकिन उनके केंद्रीय परमाणु में रिक्त डी कक्षक होते हैं और ये उदासीन परमाणु अपने अष्टक का विस्तार करते हैं, उन डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं और इस तरह से ये भी लेविस अम्ल के रूप में व्यवहार करते हैं। जैसे PCl3 है, PCl5 है, सिलिकॉन फ्लोराइड है, ये इस प्रकार के लेविस अम्ल हैं। मॉलिक्यूल्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स वेयर द सराउंडिंग एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्स, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड स्लाइटली एसिडिक या अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करती है
तो इसका क्या कारण है? यहां कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन दो ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में है और इनके बीच मल्टीपल बॉन्ड्स या पाई बंद हैं। ऑक्सीजन कार्बन से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसलिए बंद के इलेक्ट्रॉन या ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन घनत्व को वो अपनी ओर खींच कर रखता है, जिसके कारण कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की स्टेट हो जाती है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का काम कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर सकता है। तो इस प्रकार के अणु भी अम्लों के रूप में व्यवहार करते हैं। तो हम देखते हैं कि लेविस अम्ल अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं, लेकिन ये सभी वो स्पीशीज़ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं और इसलिए लेविस सिद्धांत के अनुसार अम्ल का के रूप में व्यवहार करते हैं। लेविस अवधारणा का एक बहुत ही अच्छा अनुप्रयोग या एप्लीकेशन स्ट्रेंथ ऑफ लेविस एसिड से, इसके आधार पर अम्लों की तुलनात्मक सामर्थ्य की व्याख्या की जा सकती है और इसके लिए इन अम्लों को फिर आगे सॉफ्ट एसिड, मृदु अम्ल, हार्ड एसिड, कठोर अम्ल और मॉडरेट एसिड या मध्यम सामर्थ्य के अम्लों में बांटा जाता है। इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फाजान रूल या पोलराइजेबिलिटी और टी कक्षकों का स्थान की उपलब्धता या अनुपलब्धता, इन विभिन्न कंसेप्ट्स को यूज़ करते हुए लेविस अवधारणा को आगे एक्सटेंड कर अम्लों को इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। लेविस सिद्धांत के अनुसार लेविस क्षार वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं, और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता को यहाँ क्षार के रूप में परिभाषित किया जाता है। इनके कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं कि किस किस प्रकार के लेविस क्षार होते हैं। तो बहुत सारे उदासीन अणु ऐसे होते हैं जिनमें केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, जिसको दान में देकर ये क्षारीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जैसे अमोनिया है, प्राथमिक अमीन है, ये इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा ज़्यादातर जो नेगेटिव आयन्स हैं, ऋणायन हैं, इनमें ऋणावेश आयनों पर अतिरिक्त आवेश होने के साथ ही इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, जिनका दान दिया जा सकता है, जैसे F- आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ये इसी आधार पर क्षार के रूप में व्यवहार करते हैं और इन्हें हम लेविस क्षार कहते हैं। कार्बनिक अणु भी लेविस क्षारों के अच्छे उदाहरण हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। इथेनॉल, इसमें ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म है और इसलिए ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान देकर के क्षार का कार्य कर सकते हैं। ईथर में ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता या लेविस क्षार के उदाहरण हैं। एमीन में नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन युग्म है, सल्फाइड्स जो हैं इनमें सल्फर पर इलेक्ट्रॉन युग्म है, ऑर्गेनोट्राइफॉस्फेट एनायंस जो होते हैं उसमें हम देख रहे हैं ऑक्सीजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, जिसके कारण ये लेविस क्षार के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके आधार पर हम लेविस अम्ल और लेविस क्षारों को समझ सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि अगर तीनों प्रकार की
अवधारणाओं को साथ में लिया जाए तो इनमें क्या संबंध है और क्या अंतर है। तो यहाँ बहुत स्पष्ट हो रहा है कि आर्हेनियस जो धारणा है वो बहुत सीमित है, क्योंकि ये केवल जलीय माध्यमों में अम्ल और क्षारों के व्यवहार की व्याख्या करती है, जबकि ब्रॉन्स्टेज अवधारणा है वो उससे अधिक व्यापक है। आर्हेनियस सिद्धांत में भी जलीय माध्यम में H+ आयन देने वाले को हम अम्ल कहते हैं, और हमने देखा था ब्रॉन्स्टेड लॉरे सिद्धांत में भी अम्ल की परिभाषा काफ़ी कुछ सिमिलर है, लेकिन यहाँ H+ को प्रोटॉन के रूप में परिभाषित किया गया है और जलीय माध्यम होना आवश्यक नहीं है। अतः बहुत सारी ऐसी अम्लक्षार अभिक्रियाएँ जो जलीय माध्यम में नहीं होती हैं, शुष्क अवस्था में होती हैं, लेकिन जहाँ H+ आयन या प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है, आदान प्रदान होता है, वो सब अभिक्रियाएँ इंक्लूडिंग आर्हेनियस एसिड्स ब्रॉन्स्टेड लॉरी अवधारणा में सम्मिलित हो जाती हैं। तो ब्रॉन्स्टेड धारणा उससे अधिक व्यापक है। और जब हम लेविस धारणा की बात करते हैं तो देखिए H+ आयन सभी पदार्थों में हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी अणु परमाणुओं में उपस्थित होते हैं, और अतः इलेक्ट्रॉन युग्मों का होना और अधिक संभाव्य बात है। अतः लेविस की जो अवधारणा है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म का आदान प्रदान होता है, डोनेशन होता है, इस आधार पर और अधिक पदार्थों को अम्ल क्षार के रूप में समझाया जा सकता है। जैसे ब्रॉन्स्टेड क्षार भी जो कि प्रोटॉन या H+ आयन को ग्रहण करते हैं, वे प्राय इसलिए उन्हें ग्रहण करते हैं क्योंकि ब्रॉन्स्टेड क्षार में इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन युग्म H+ आयन या प्रोटॉन को डोनेट होने से एसिड बेस रिएक्शन होती है। तो इस बेस पर हम देखते हैं कि जो ब्रॉन्स्टेड क्षार होते हैं वो प्राय लेविस क्षार ही होते हैं। तो लेविस का कॉन्सेप्ट इनसे दोनों कॉन्सेप्टों से अधिक व्यापक है, वो यहाँ चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है, उसको समझाने का प्रयत्न किया गया। तो लेविस के सिद्धांत में भी कुछ सीमाएँ हैं, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार एक अम्लक्षार अभिक्रिया वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म दाता और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही के मध्य में उपसंयोजी बंध का निर्माण हो, अतः उपसंयोजी बंध का निर्माण होना आवश्यक है। बहुत सी अभिक्रियाओं में ऐसा बंध नहीं बनता है। प्राय यह देखा गया है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अम्ल उत्प्रेरक का कार्य करते हैं वहां जलीय माध्यम में जलयोजित H+ आयन उपस्थित होता है, लेकिन लेविस अम्लों में हाइड्रोजन का होना अनिवार्य नहीं है, अतः ऐसे अम्लीय उत्प्रेरकों के व्यवहार को लेविस सिद्धांत द्वारा समझाने में बड़ी कठिनाई होती है। तो दिस आर मेजर ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस ऑफ लेविस कॉन्सेप्ट। देन वी कम टू कंक्लूड, if we take all the three principles then we can compare Arrhenius siddhant ke andar jal mein H+ ion donate karna acid ke liye zaruri hai aur OH- ion donate karna base ke liye aavashyak hai। jab hum H+ आयन को एक्सचेंज करने की बात करते हैं तो ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत के अनुसार OH- होना आवश्यक नहीं है, लेकिन अम्ल और क्षारों के बीच में H+ आयन या प्रोटॉन का स्थानांतरण या आदान प्रदान होना चाहिए, चाहे माध्यम कोई भी हो। और जब हम लेविस सिद्धांत की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान की बात करता है, अर्थात वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही हैं वो अम्ल हैं और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता हैं वे क्षार हैं। तो अक्सर आर्हेनियस एसिड्स जो होते हैं वो ब्रॉन्स्टेड एसिड भी होते हैं, और उसी प्रकार से अगर हम देखें तो जो ब्रॉन्स्टेड बेसिस होते हैं वो लेविस बेसिस भी होते हैं।
तो इनमें काफ़ी संबंध है। एक चित्र द्वारा हम देखते हैं कि आरएनए सिद्धांत और मैं H प्लस आयन और OH माइनस आयन को एक्वस मीडियम में दिखाया गया है। यहाँ पर ब्लू कलर रिप्रेजेंट्स द कलर ऑफ वाटर। सो एन एक्वस मीडियम अ सब्सटेंस विच गिव्स H प्लस इज एसिड एंड अ सब्सटेंस विच गिव्स OH माइनस आयन इज अ बेस एंड देयर इंटरेक्शन रिजल्ट्स इन न्यूट्रलाइजेशन। सो एसिड बेस रिएक्शन। नाउ व्हेन Bronsted-Lowry कॉन्सेप्ट इज टेकन इट इज क्लियर दैट H प्लस इज सेम, मतलब एसिड यहाँ एच प्लस देता है जिसको हम प्रोटोन के रूप में परिभाषित करते हैं और जलीय माध्यम होना आवश्यक नहीं है, इसलिए बहुत सारे अम्ल और इंक्लूड हो जाते हैं यहाँ। और क्षार जो है वो इस एच प्लस को ग्रहण करता है, तो बी या बेस यहाँ है वो एच प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटोन ग्राही है। जब हम लेविस की बात करते हैं तो यहाँ देखिए क्षार वही है बी, और वो Bronsted कॉन्सेप्ट में H प्लस को इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि इस H प्लस को वो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान देता है। H प्लस एक लेविस एसिड भी है, लेकिन H प्लस के अलावा और धातु परमाणु जो डेफिशिएंट होते हैं या और ऐसी केमिकल स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है या अष्टक पूरा नहीं होता है, ये भी किसी क्षारीय पदार्थ से इलेक्ट्रॉन युग्म को ठीक उसी प्रकार स्वीकार कर सकते हैं जैसे Bronsted एसिड्स के प्रोटॉन स्वीकार करते हैं। अतः यहाँ बहुत सारे ऐसे क्षार हैं जो Bronsted क्षारों के साथ में लेविस सिद्धांत द्वारा समझाए जा सकते हैं। तो ये तीनों में आपसी संबंध को दिखाता है और ये भी दिखाता है कि किस प्रकार से लेविस सिद्धांत अधिक व्यापक है Bronsted-Lowry से, और Bronsted-Lowry धारणा व्यापक है आरहेनियस से। ये इस चित्र द्वारा आसानी से प्रदर्शित होता है। तो इन नटशैल या संक्षिप्त में हम ये कहें कि जो मुख्य प्रिंसिपल से अम्ल क्षारों के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए, उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं को समझाने के लिए, उदासीकरण की अभिक्रिया को व्यक्त करने के लिए, तो अम्ल और क्षारों की परिभाषाएँ ये मुख्य रूप से तीन सिद्धांत हमने यहाँ पढ़े, आरहेनियस सिद्धांत, Bronsted-Lowry सिद्धांत एंड देन लेविस अम्ल क्षार सिद्धांत। इसके अलावा भी कुछ अवधारणाएं प्रस्तुत की गई जैसे Lux-Fried कॉन्सेप्ट, Usanovich डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, लेकिन उसकी चर्चा हम यहाँ ज़्यादा व्यापक रूप से नहीं करेंगे। Lux-Fried कॉन्सेप्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन का ही एक एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट है। यहाँ ऑक्साइड आयन एक्सचेंज के फॉर्म में एसिड बेस को डिफाइन किया जाता है। अगर हम ब्रीफ में कहें तो एसिड एक ऑक्साइड एक्सेप्टर होता है और बेस होता है वो O2- माइनस आयन ऑक्साइड डोनर होता है। तो इसे एक अम्ल क्षार अभिक्रिया को ऑक्साइड एक्सचेंज के रूप में डिफाइन किया जाता है। जैसे CaO इज अ बेस एंड SiO2 इज एन एसिड, सो व्हेन दिस टू रिएक्ट दे फॉर्म CaSiO3। तो लेविस के कॉन्सेप्ट को ही यहाँ थोड़ा एक्सटेंड किया गया है। लेविस जो है यहाँ सिलिकॉन जो है वो अपने रिक्त डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, सो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, एक एसिड का काम कर रहा है। और CaO का जो O2- माइनस आयन है, बिकॉज CaO इज अ आयोनिक कंपाउंड, इट इज़ इन फॉर्म ऑफ Ca2 प्लस एन O2- माइनस आयन। सो द O2- माइनस आयन जो ऑक्साइड आयन है वो अपना लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन युग्म सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट करता है और इस तरह से एसिड बेस रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो इसको हम लेविस कंसेप्ट से भी समझ सकते हैं इस रिएक्शन को, और इसी को ऑक्साइड आयन एक्सचेंज के रूप में भी समझाया जा सकता है, और इसलिए ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर एसिड हो जाता है, दैट इज SiO2, एंड ऑक्साइड आयन डोनर बेस हो जाता है CaO। तो यहाँ देखते हैं हम कि दोनों सिद्धांत काफ़ी मिलते जुलते हैं और किस तरह से थोड़ा सा मॉडिफाई करके Lux-Fried डेफिनेशन दिया गया है। Usanovich जो कॉन्सेप्ट है वो सारी इन धारणाओं को लगभग एक साथ लेने का प्रयत्न करता है, बहुत संक्षिप्त में बात करेंगे। तो एसिड इज एनी केमिकल स्पीशीज विच इज एबल टू रिएक्ट विद अ बेस, एक्सेप्ट्स एनायंस और इलेक्ट्रॉन्स और फर्निशेस कैटायंस, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता है।
अ बेस इज एनी केमिकल स्पीशीज दैट रिएक्ट्स विद एसिड, जो भी एसिड से रिएक्ट करता है और सॉल्ट बनाता है वो बेस होता है, या जिनमें कैटायंस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन न्यून पदार्थों को ग्रहण करने की क्षमता होती है, या जिसमें एनायंस होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ताकि इन इलेक्ट्रॉन्स युग्मों का दान दिया जा सके, तो इसे हम यहाँ क्षार कहते हैं। थैंक्स, दिस इज ऑल अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। थैंक यू वेरी मच।